हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज हम बनाने जा रहे हैं मावे की गुंजियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मावे की गुंजियाँ बनाना। इसके लिए हमने लिया है मैदा 4 कटोरी, वाटर 1 कप, घी आधी कटोरी ने लिया, गोला कसावा 1 कटोरी, सूजी 2 कटोरी ले लिए, काजू बादाम जो हमने बारीक काट लिए हैं ये हमने लिए हैं 1/2 कटोरी, मावा 2 कटोरी, बूरा 6 कटोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं गुंजिया बनाना। हमने कढ़ाई में जो है 2 कटोरी सूजी डाल दी है और सूजी को जो है हम गोल्डन होने 10 मिनट के लिए भूनेंगे। और इसमें जो है हम 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। यह हमने देसी घी ऐड किया है 2 चम्मच। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। और करीब 10 मिनट तक जो है हमें सूजी को भूनना है। और आपको जो है सूजी भूनते हुए जो है सूजी को चलाते रहना है, कहीं सूजी जो है वो जल ना जाए। और सूजी को ऐसे चलाते रहना है और सूजी जो है गोल्डन होने तक भूननी है। और सूजी को जो हम 10 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमारी सूजी जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। देखिए हमारी सूजी जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और सूजी में जो है हल्की सी खुशबू आने लगी है। हम सूजी को जो है अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मैं कढ़ाई में 2 चम्मच घी गरम कर लिया है और इसमें जो है हम 2 कटोरी मावा ऐड कर देंगे। मैंने 2 कटोरी मावा डाल दिया है। मावे को जो है हम अच्छे से घी के साथ मिक्स कर देंगे। और मावे को जो है हम करीब 5 मिनट के करीब फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक हमें मावे को घी के साथ अच्छे से फ्राई करना है। जो है हमारा जो मावा है वो फ्राई हो चुका है, ये देखिए। और हमने जो है इसको लो फ्लेम पे जो है मावे को फ्राई किया है। और इसे जो है हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और मावे को ठंडा होने देंगे। 2 कटोरी मैदा ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी घी। और घी को जो है मैदे के साथ अच्छे से मैश करेंगे। जो घी को है मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा घी है वो मैदे में अच्छे से मिल जाए। ये और ऐड कर देंगे।
और इसको भी जो है मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने पूरा दो चम्मच घी ऐड कर लिया है, एक चम्मच हमने पहले डाला था, दूसरे चम्मच हमने अब डाला है, और उसको अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये भी ले ले। बना के देख लेंगे हम कि अगर हमारा मैदा जो है ऐसे भोरने से ऐसे भूर रहा है तो हमारा जो घी है वो मैदे में अच्छे से मिल चुका है और अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसको थोड़े थोड़े पानी के साथ एक अच्छा सा डो बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आटे का डो बना के तैयार करना है जिससे हमारा डो जो है वो ज़्यादा टाइट और ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक अच्छा सा डो बनाते जाएंगे। आटे का डो बना के तैयार कर लेंगे हम लोग। मुझे थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। पूरा हमने जो है एक कप पानी का ऐड कर लिया है मैदा डो बनाने के लिए।
हमारा डो जो है बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। हमने डो बना के तैयार कर लिया है, उसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। बनाएंगे इसके लिए हम सूजी लेंगे 2 कटोरी, पूरा 4 कटोरी, पूरा ले ली है हमने 4 कटोरी। कद्दूकस किया हुआ गोला 1 कटोरी, कटे हुए काजू बादाम 1/2 कटोरी, मावा 1 कटोरी, और अब इन चीज़ों को जो है सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मावा डाल दिया है 2 कटोरी, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी स्टिपिंग है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। ये हमने जो है गुजिया बनाने के लिए बैटर बना के तैयार कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है मावा और बूरा अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ी थोड़ी सी वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए ताकि हमारे गुजिया भरते जो है ये फटे नहीं। ये बैटर बन के हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। जो है डो की जो है लोई बना के तैयार कर लिया है। देखिए इतने साइज़ की लोई जो है हमें बनानी है। ये देखिए बेलेंगे, थोड़ा सा डिफाइन लगा देंगे और फिर हम लोई को बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे बेलना है। ऐसे ही हम दूसरी लोई को बेलेंगे। नई लोई ली है और इसको हम बेलना स्टार्ट कर देंगे।
ऐसे ही हम सारे लोहे को जो है बेल के तैयार कर लेंगे। ऐसे हम जो है सारे लोहे को बेल के तैयार कर लेंगे। हमने बेल के तैयार कर लिए, देखिए हमने कितने अच्छे से बेल के तैयार कर लिए, ये देखिए। और ऐसे ही जो है हम सारे लोहे को बेल के तैयार कर लेंगे। सारे लोहे को बेल के तैयार कर लिया है, ये देखिए। जो है हम गुंजिया बनाना स्टार्ट करते हैं, हमने इसकी मशीन ली है, इस पर हम जो है चारों तरफ इसके डिफाइंड लगा लेंगे और इसके बीच में भी डिफाइंड लगा लेंगे। अच्छे से डिफाइंड लगाने के बाद इसमें रखेंगे हम लोई जो हमने बेली है। कम अच्छे से इसमें जो है हम 2 चम्मच के करीब स्टफिंग भर लेंगे। और जो हम इसको जो है अच्छे से भरेंगे और ये जो किनारों पे नहीं लगने देंगे, ताकि अगर हम किनारों पे लगेगा तो हमारी जो गुंजिया है वो फट सकती है, इसलिए बिल्कुल सेंटर में ही जो है हम स्टफिंग भरेंगे और इसको अच्छे से हाथ से सेट कर लेंगे और इसको अच्छे से जो है प्रेस करेंगे। चारों तरफ से हम जो है अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारी गुंजिया है वो अच्छे से चिपक जाए और फटे नहीं। और इसको जो है ऐसे कटिंग में काट देंगे, इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हम इसको काट देंगे। देखिए हम इसको खोल के देख लेंगे, जो हमारी गुंजिया है जो बन चुकी है अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे से हमारी गुंजिया जो है बन के तैयार हुई है। हम इसको निकाल के रख देंगे जी, देखिए ऐसे हम जो है और गुंजिया बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे हम और गुंजिया बनाएंगे। दो चम्मच के करीब स्टफिंग भरनी है और तो ही बात साइड से हटा के इसको अच्छे से
और ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट को जो है हम काट देंगे और ऐसे हम जो है सारी गुंजिया बना के, देखिए फ्रेंड्स हमने जो है ये सारे गुंजिया बना के ऐसे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए हमारे गुंजिया जो है इस टाइप से बने हैं और ऐसे हम जो है सारे गुंजिया को बना के तैयार कर लेंगे। जो है डिफाइन गर्म कर लिया है गुंजिया फ्राई करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं गुंजिया फ्राई करना। धीरे से गुंजिया को जो है कढ़ाई में डाल देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। हम जो है लो फ्लेम पे जो है गुंजिया को फ्राई करेंगे। ये देखिए लो फ्लेम पे जो है गुंजिया को फ्राई करेंगे। ये देखिए और गुंजिया को पलट देंगे ताकि हमारी जो गुंजिया है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और गुंजिया को जो है हल्की गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारी जो गुंजिया है हल्की गोल्डन हो चुकी है। देखिए हमने गोल्डन हमारी जो गुंजिया है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और गुंजिया को फ्राई देखिए फ्रेंड्स हमने जो है अब सारे गुंजिया को जो है फ्राई कर लिया है। देखिए फ्राई होने के बाद जो है हमारे गुंजिया कुछ ऐसे लग रहे हैं। ये देखिए और हमने जो है को जो है गोल्डन फ्राई किया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा गुंजन जो है अच्छे से बन चुका है। ये देखिए फ्राई हो चुका है। ये देखिए तो फ्रेंड्स प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।